धनबाद के वासेपुर में नन्हे खान की हत्या के बाद प्रिंस खान ने वीडियो वायरल कर सल्तनत कायम करने की बात कही थी, लेकिन घटना के बाद प्रिंस का सल्तनत कहीं खत्म तो नहीं हो रहा है। फहीम खान के अलावा प्रिंस खान के कई और दुश्मन हैं जो अब सामने आ रहे हैं। इसी में से एक है महिंद्रा कंपनी के रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह। आइए सुनते हैं कि क्या कहा उपेंद्र सिंह ने। हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह आप लोग के बीच फिर से वापस आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने समाज में पहले की तरह अच्छा से जिए और किसी की हेल्प कर सकूँ। किसी को परेशानी अगर मेरे से है तो वो मेरे से बात करे। कुछ लोग हैं जो बिना मतलब के हमारे पीछे परेशान रहते हैं, उनसे भी यही कहना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो तरीके से बात कीजिए, शायद हम उसको समझ पाएं। मगर अगर कोई अगर मेरे से टेढ़ा से बात करेगा या फिर मुझे बार बार चैलेंज करेगा तो अब हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं, मुझे अब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ सीख कर और शांति से जीना चाहते हैं। हम हर कला को सीखने के लिए हमको किसी का हाथ पकड़ने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक जिंदगी जैसे भी कटी मगर अब हम बेवजह किसी से लगना नहीं चाहते हैं, और कोई लगेगा तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। क्योंकि जब भगवान ने मुझे एक मौका और दिया है तो कोई एक बार के लिए डरता है, हमको दोबारा मौका मिला हम किसी से क्यों डरें। इज्जत का मान सम्मान का चाहते हैं हम भी 2 रुपया खाना। मेरा काम ऐसा है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो बैंक से जाके बात करे या फिर मेरे से बात करे। अगर कोई बेवजह मेरे से उलझता है तो हमको कुछ सीखना नहीं होगा, फिर से वही सब चीज़ों से हम दूर होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कानून के साथ रहें, कानून के लोगों का साथ दें, जो दोस्त लोग हैं उनको भी और जो दुश्मन हैं उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने जो कुछ देखा अपनी लाइफ में अभी तक वो सब चीज़ें शायद अब दिमाग से निकलेगी। भरोसा तो बहुत लोगों से टूटा है पर मेरे हिसाब से अब हमको कोई इरिटेट ना करे, परेशान ना करे कि फिर हम कुछ अलग स्टेप लें। हम सभी लोगों से यही उम्मीद रखते हैं कि जैसे लोग सब कोई शांति से जीना चाह रहे वैसे हम भी चाह रहे हैं शांति से जीना। मेरे माता पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, हम सबके साथ रहना चाहते हैं, बेवजह किसी से उलझना नहीं चाहते हैं। मगर ये बात क्लियर कर देते हैं, कोई उंगली करेगा तो चुप भी नहीं बैठेंगे, ठीक है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।